नमस्कार मैं डॉक्टर नवदीप सिंह बैंस एसोसिएट प्रोफेसर इन बॉटनी डूंगर पीजी कॉलेज बीकानेर आज मैं आपको डीएनए और इसके विभिन्न प्रकारों के बारे में आपको मैं विस्तार से स्लाइड्स के माध्यम से बताऊंगा कि डीएनए क्या है और ये कितने टाइप का होता है और इस स्लाइड में आप जैसा कि आप देख सकते हैं आ, मैं आपको इसमें पॉइंटर से आपको दिखाता हूँ देखिए जैसे ये डीएनए है वैसे तो मुख्य रूप से डीएनए पौधों और जंतुओं स्पेशली जो यूकेरस है उसमें प्रमुख अनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है और इसके अलावा वैसे डीएनए वायरसेस में प्रोकेरस और बैक्टीरियोफेजेस में भी प्रमुख जेनेटिक मटेरियल के रूप में मिलता है अनुवांशिक पदार्थ के रूप में और डीएनए की थोड़ी बहुत मात्रा जो है माइटोकोडियो और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी मिलती है सिर्फ एक आर एन ए वायरस जो है उसमें डी एन ए नहीं होता है अब देखिए जनरली यू के अंदर ये डी एन ए आपको इस तरह से लीनियर या रेखिक प्रकार से आपको इसमें मिलेगा और जबकि ये धागे नुमा और अनब्रांच्ड है जबकि प्रो के अंदर ये आपको गोलाकार के रूप में सर्कुलर डी एन ए के रूप में आपको दिखाई देता है मतलब प्रोकेरिट्स में है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये सर्कुलर और ये देखिए दिखाई देगा विभिन्न जीवों के अंदर डीएनए किस तरह का होता है कि जैसे जनरली देखो जंतु है एनिमल्स हैं प्लांट्स हैं बैक्टीरिया है एनिमल वायरस है बैक्टीरियो फेज वायरस है और ये कुछ प्लांट वायरसेस हैं जैसे कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस और कुछ एनिमल वायरस इन सब के अंदर ये डीएनए जो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए है इनमें दो सूत्र होते हैं जबकि सिर्फ फाइव इंटू वन सेवन फोर और एम थर्टीन ये जो वायरसेस हैं इन वायरसेस के अंदर ये बैक्टीरियोफेज फेज वायरसेज हैं इनके अंदर डीएनए जो है हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मिलता है एसएस डीएनए का मतलब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए अब इसमें जनरली देखिए डीएनए के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं मतलब डीएनए को किससे मिलकर के बना होता है इसमें आ, आपको ये न्यूक्लियोसाइड दिखाई दे रहे हैं एक न्यूक्लियोसाइड जो है एक पेंटोज शुगर डिऑक्सीबो शुगर होती है उससे और नाइट्रोजन बेस से मिलकर के बना होता है जबकि न्यूक्लियोटाइड अगर इस न्यूक्लियोसाइड के अंदर हम ये फॉस्फेट का अणु और जोड़ दें इसमें फॉस्फोरिक एसिड और जोड़ दें तब ये न्यूक्लियोटाइड कहलाता है अर्थात शुगर मॉलिक्यूल देखिए ये इस तरह से इसकी <coughs> स्ट्रक्चर नागी होती नागी है, की जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो एक न्यूक्लियोटाइड चेन है जिसमें ये डिओक्सीबो शुगर है जिसके साथ ये बेस लगा हुआ है और ये फोसोडाइस्टर फौस, बॉन्ड कहलाता है और इस तरह से ये आ, आपको थ्री टू फाइव जो है आपको ये फाइव टू थ्री आपको ये कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है इस तरह से ये एक पूरी पॉली न्यूक्लियोटाइड इस तरह से लगी है इसमें देखिए ये डी ऑक्सीड है शुगर है जिसमें इस पहले कार्बन पर यहाँ पर आपको इस नाइट्रोजन बेस यहाँ लगा हुआ मिलेगा और ये इसकी जो पांचवा कार्बन है पांचवें कार्बन पर ये फॉस्फेट ग्रुप इसके अंदर जुड़ा हुआ है और ये शुगर डी शुगर होती है डीएनए के अंदर जबकि आर के अंदर ये राइबो शुगर होती है ये देखिए इस तरह से ये एक पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है जिसमें ये फोसोडाइस्ट्रो बॉन्ड आपको यहाँ नजर आ रहा है और इसमें ये फॉस्फेट की जो ऑक्सीजन है ये तीसरे कार्बन की जो ऑक्सीजन है उसके साथ ये फोसोडाइस्ट्रो बॉन्ड बना रही है जबकि यहाँ पर ये देखिए इसके अंदर ये पांचवें कार्बन की जो ऑक्सीजन है ये भी इसके साथ ये पांचवें कार्बन की ऑक्सीजन के साथ इस तरह से फोसोडाइस्टर बॉन्ड बन रहा है कहने का मतलब है कि डीएनए के अंदर जो बॉन्ड्स पाए जाते हैं एक तो फोसोडाइस्टर बॉन्ड होते हैं ये जैसे पांचवें एक जो एक तरफ से जो शर्करा कणों का जो पांचवें कार्बन से है और दूसरी तरफ के शर्कराकिणों के तीसरे कार्बन से मतलब यहां के तो ये पांचवा कार्बन है और इस जो शर्क शुगर है डिऑक्सीब इसके तीसरे कार्बन से ये इस तरह से फोसोडाइज बॉन्ड बना हुआ है इसी तरह से जो शुगर और नाइट्रोजन बेस है इनके बीच में भी बॉन्ड होता है मैं ये देखिए ये इस तरह से कि एक शर्करा के का तीसरे कार्बन जो है दूसरी शर्करा के पांचवें कार्बन के मध्य में ये फोसफोडाइस्टर बॉन्ड इस तरह से दिखाई दे रहे और ये इस तरह से ये बी डी के अंदर है ये ए डी के अंदर स्ट्रक्चर है, है। मतलब ये फाइव टू थ्री और ये थ्री टू फाइव ये देखिए इसमें और दूसरा जो मैं बता रहा था आपको कि शर्करा और जो नाइट्रोजन बेस है इनके बीच में जो ये बॉन्ड है ये हमेशा आप ध्यान रखें कि जो शुगर है इस शुगर के पहले कार्बन शुगर yeah, का तो पहला कार्बन है और ये प्यूरिन जो है प्यूरस दो होती हैं एडिनिन और ग्वेनिन और पायरेमिडिन होती हैं साइटोसिन और थाइमिन तो इसमें देखिए ये जो शर्करा का पहला कार्बन है ये प्यूरिन के नौवें कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा और जबकि पायरेमिडिन से जो है ये तीसरा कार्बन इसका जुड़ता है पायरेमिडिन के तीसरे कार्बन से और प्योरिन के नौवें कार्बन से ये जुड़ा रहेगा ये इस तरह से डीएनए की एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जिसे सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि ये वाटसन और क्रिक ने ये स्ट्रक्चर दी थी और वाटसन क्रिक की इस स्ट्रक्चर को मान्यता प्राप्त है क्योंकि उन्नीस में इन्होंने वाटसन क्रिक ने जो है ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर दोनों वैज्ञानिक जो थे उन्होंने इसका अध्ययन किया था और इस काम में विल्किंस और जो फ्रेंकलिन है उन्होंने भी इसका सहयोग किया था और इसके लिए इनको वाटसन और क्रिक को उन्नीस में नोबल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था तो ये और इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का जो कन्फर्मेशन है उन्नीस सौ में विल्किस और उसके सहयोगियों ने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से तो किया ही था और कॉनबर्ग ने उन्नीस में सेल के बार आर्टिफिशियल मीडियम पर डीएनए का सिंथेसिस करके डीएनए की जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है इसका ठोस प्रमाण प्रस्तुत किया था अब इसमें देखिए ये जो नाइट्रोजन बेसिस है जैसे ग्वानिन है एडनिन और ग्वानिन uh, जैसे दिखाई दे रहे हैं ये तो प्यूरस है और साइटोसिन और थाइमिन जो है ये पेरेमिडिनस है इन दोनों के मध्य जैसे एडनिन और uh, जो थाइमिन uh, है इसके बीच में तो हमेशा आपको uh, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स मिलेंगे द, ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं जबकि साइटोसिन और ग्वेनिन के बीच में आपको ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपको ये नजर आएंगे और इसकी वाटसन क्रिक मॉडल के अंदर इन्होंने जो बताई थी डिटेल में आपको बताता हूँ कि इन्होंने पहली बात तो ये बताया कि बहुत ज़्यादा मोलिकुलर वेट वाला मोलिकूल है ये डी जो है और डबल हेलिकल है जिसके जो ये हेलिकल्स हैं ये हेलिकल्स इसमें वाटसन और क्रिक्स सूत्र कहलाते हैं वाटसन एंड क्रिक हैलिकल्स कहलाते हैं जिसमें एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है अच्छा ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं जैसे ये एक सूत्र अगर थ्री टू फाइव है तो दूसरा सूत्र फाइव टू थ्री होगा इसके सामने प्रति समांतर जो होता है इसके और ये सर्पिलाकार सीढ़ी की आकृति का है ही ये जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है और हरेक भुजा के अंदर इसमें शुगर डिऑक्सीबोज और फॉस्फेट यूनिट्स जो है ये शुगर और ये फॉस्फोटाइज बॉन्ड इसकी सीढ़ी के जो है जिसे कहते हैं रीड बनाते हैं बारी रीड बनाते हैं जबकि नाइट्रोजन बेसिस जो है अंदर की तरफ जो नाइट्रोजन बेसिस है ये सीढ़ी के जो स्टेप्स हैं या सोपान है वो सोपान बनाते हैं जैसे ये स्टेप्स हैं देखिए ये ये तो स्टेप्स हैं और जबकि ये इसकी रीड है इसकी सीढ़ी की रीड सीढ़ी की जो मेन सीधी स्ट्रक्चर है वो रीड की तरह है जबकि बीच में ये स्टेप्स या सोपान है ये नाइट्रोजन बेसिस के बने होते हैं जबकि ये ये फॉस्फेट फोस्फेट बॉन्ड और शुगर के बने हुए होते हैं और वाटसन क्रिक ने जो बताया था इसके अंदर ये बताया कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन बेसिस जो है ये आपके वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स से वैसे बने होते हैं लेकिन ये अब कई हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं इसलिए थोड़े से स्ट्रांग हो जाता है वैसे तो हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत वीक बॉन्ड होता है और इसकी अगर मोटाई वगैरह की अगर हम देखें जैसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या आजकल जो इसकी विभिन्न शोधों से जो इसका पता लगा है इसका कि केमिकल uh, एनालिसिस भी जैसे किया है से डाइजेशन के द्वारा भी इसका स्टडी किया गया तो ये देखा गया कि इसमें इसकी मोटाई जो है डीएनए अणु की 20 एंगस्ट्रोम यूनिट होती है ये जो मोटाई है ये मोटाई 20 एंगस्ट्रोम यूनिट है और इसके एक कुंडलन की ये जो एक कोयलिंग है ये एक कोयलिंग जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ये चौंतीस एंगस्ट्रोम यूनिट है थर्टी फोर एंगस्ट्रोम यूनिट है एक कोईल की इसका एक कुंडलन 34 एंगस्ट्रोम यूनिट का है और इन दो नाइट्रोजन बेसिस के बीच में मतलब जो दो न्यूक्लियोटाइड्स है इन दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में 3.4 पॉइंट यूनिट का जो है डिस्टेंस होता है और एक कॉलिंग से ये चौंतीस एंगस्ट्रोम की मैंने एक कॉल बताई है इस एक कोयल के अंदर आपको दस न्यूक्लियोटाइड पेयर्स आपको इसमें दिखाई देंगे इसके अंदर नजर आएंगे एक कोयल के अंदर दस बेस पेयर्स होते हैं और दो बेस पेयर्स के बीच में जैसे मैंने बताया दो बेस पेयर के बीच में आपको 3.4 पॉइंट यूनिट इसमें दूरी होती है और इन दोनों जो न्यूक्लियोटाइड जो श्रृंखलाएं हैं इनके बीच में शर्कराओं की दूरी जो है बीच में ये ग्यारह एंगस्ट्रॉम की होती है एक शुगर इसकी और एक दूसरी शुगर इसके बीच की दूरी जो है ये आपको ग्यारह एंगस्टोम यूनिट की इसके अंदर दिखाई देगी सर और जो ये जो नाइट्रोजन बेस को जो शर्करा अणु के प्रथम कार्बन से जोड़ने वाला जो बॉन्ड होता है ये जो नाइट्रोजन ये बेस है इसको जो शर्करा से जो, जो शुगर जो है शुगर के पहले कार्बन से जो, जो जोड़ने वाला बॉन्ड है ये हमेशा इक्यावन डिग्री का कोण बनाता है ये हमेशा ये देखिए ये इक्यावन डिग्री का इसके अंदर कोण आपको इसमें मिलेगा तो ये एक तरह से एक एक्सिस के यू समझिए कि जैसे किसी मकान के अंदर घुमावदार घुमावदारीढ़ियां लगी हुई होती हैं घरों के अंदर बिल्कुल उसी तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है कि बीच में एक एक्सिस है इस एक्सिस के चारों तरफ ये आ, जो है घुमा घुमावदार होता है सर्पिलाकार होता है सीढ़ी सीडी नुमा ये देखिए ये और वही मैं उसी के बारे में बता रहा था डिटेल के अंदर कि बीस यूनिट आ, इसकी मोटाई होती है ये थ्री टू फाइव फाइव है ये फाइव टू थ्री है और दो बेस पेयर के बीच में थ्री पॉइंट फोर एंगस्ट्राम यूनिट का डिस्टेंस होता है ये बीच में एक्सेस है और ये जो सर ये इस, इसकी जो रीड है ये शर्करा फॉस्फेट की रीड होती है ये देखिए और ये बेस पेयर है बीच के अंदर ये बेस पेयर्स है जैसे एडीनिन और गोएनिन ये प्योरिन है ये हमेशा पिरिमिडिन से जुड़ी रहेंगी एडिनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ा रहेगा और गोएनिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ा रहेगा तीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं जबकि इसके अंदर ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स है और ये इसकी रीड है ये थ्री टू फाइव है और ये फाइव टू थ्री है इसका प्रति सम... समान्तर इसका जो हेलिकल है ये मैंने आपको पहले दिखाया था ये उसी तरह से इसकी डिटेल स्ट्रक्चर है अब ये डीएनए जो है इसमें जो कॉयलिंग है उस कॉयलिंग के आधार पर डीएनए दो तरह के डीएनए पाए जाते हैं मतलब डीएनए की जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में कहा गया है कि इसकी जो कॉयलिंग है ये दो प्रकार से होते हैं एक तो जो सामान्य डीएनए जिसकी जो कॉयल है ये कॉयल हमेशा इसकी राइट हैंड साइड होती है दैनिक साइड होती है, है जैसे राइट हैंडेड डीएनए हेलिक्स भी कहते हैं जैसे ये है ये तो कॉमन डी एन है आ, दूसरी बात यह है कि ये आ, दूसरा डीएनए जो है वो लेफ्ट हैंडेड डीएनए कहलाता है जिसमें आ, जो इसकी कॉइलिंग है ये बाई तरफ होता है ये देखिए ये इसमें बाई तरफ है और जबकि ये ये दाई तरफ की कॉइलिंग है इसको राइट हैंडेड डीएनए बोलते हैं इसको लेफ्ट हैंडेड डीएनए बोलते हैं इन दोनों के स्ट्रक्चर्स के अंदर भी आ, अगर हम डिटेल में देखें तो दोनों के स्ट्रक्चर में भी फर्क होता है वो फर्क है मैं अभी आपको दिखाऊंगा ये देखिए मतलब जो राइट हैंडेड डी है उसके बारे में तो मैंने बताया ये जेड जो डी है लेफ्ट हैंडेड डी एन इसको सबसे पहले 1979 में नाइन में ये रिपोर्ट किया गया था डी के बारे में आ, जब इसे आर्टिफिशियली इसको सिंथेसाइज़ किया गया आ, क्रिस्टल्स के रूप में और क्योंकि ये जो फॉर्म है इसकी डी की ये जिगजैक रूप में होती है ये ज़िगज़ैक है मतलब इसकी स्ट्रक्चर को अगर हम देखें नॉर्मल डीएनए जो डबल एलिकल अपन ने देखा था वाटसन क्रिक का जो मॉडल था वो तो सिंपल एकदम उसमें कोई विकृति नहीं थी लेकिन ये ज़िगज़ैक होता है इसलिए इसको जेड डीएनए बोला जाता है और इसमें बी डीएनए से काफी समानताएं है भी हैं डिफ्रेंसिस भी हैं तो समानताएं है तो दोनों डीएनए के अंदर ये है कि दोनों डबल एलिकल हैं दूसरी बात दोनों हेलिक्स जो है एंटी पेरल होते हैं प्रति समानांतर होते हैं एक दूसरे के दूसरी बात दोनों सूत्र मतलब डबल हेलिकल जो हेलिक्स हैं इसके और दोनों के अंदर जो है सी जी पेयरिंग इसके अंदर मिलती है लेकिन ये ये मैं आपको सारने के माध्यम से बताता हूँ देखो समानताएं क्या है पहली बात तो ये मैंने बताई दिया था कि द्विकुंडल ने दोनों ही दोनों प्रति समानता हैं दोनों के अंदर ये कॉम्बिनेशन बेस पेयर्स का कॉम्बिनेशन मिलेगा लेकिन असमानता इनमें क्या है कि इसमें कुंडलन तो दाई तरफ है जो नॉर्मल डीएनए है और जेड डीएनए के अंदर बाई तरफ होता है जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर के अंदर बताया था और इसकी जो मोटाई है या जो एक लंबाई है इसकी कुण्डलन, एक कुंडलन की वो चौतीस एंगस्ट्रोम होती है जबकि जेड डीएनए के अंदर ये पैंतालीस एंगस्ट्रोम यूनिट का है इसी तरह से बेस पेयर इसके अंदर दस मिलेंगे एक कुंडल के अंदर जबकि इसके अंदर एक कुंडल के अंदर बारह बेस पेयर मिलते हैं इसका डायमीटर बीस एंगस्ट्रॉम यूनिट का होता है जबकि इसका जो डायमीटर है या इसकी मोटाई है वो अठारह एंगस्ट्रॉम ही होती है कम होती है इसलिए लंबा होता है ये थोड़ा सा इसके दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी तीन पॉइंट चार एंगस्ट्रॉम है बी डी एन ए में जबकि जेड डी एन ए के अंदर ये तीन पॉइंट क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो गया ये मोटाई कम हो गई और जिगजैग हो गया ये और इसकी फॉस्फेट शर्कर रीड की जो है वो तो नियमित होती है लेकिन ये टेडी मेडी होती है जिग झग होती है और इसका कार्य क्या है नॉन डीएनए का अनुवांशिक लक्षणों का वहन है मेटाबोलाइ मेटाबोलिन का कंट्रोल करना होता है और जबकि जेड डीएनए का काम का, जीन रेगुलेशन का होता है ये देखिए ये ये भी उसी तरह से इसको इंग्लिश में बताया गया है कि इनमें दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है बी डी एन ए और जेड डी एन ए के अंदर रोटेशन इसका देखिए छत्तीस डिग्री का है बेस पेयर टेल्ट इसमें छः डिग्री का है और बाकी आपको ग्लाइकोसाइड्स टॉर्शन एंगल के बारे में भी इसमें बताया गया है तो ये इसके अंदर प्रमुख इसके अंदर अंतर होता है जेड डी और बी डी के अंदर अब इसमें यदि हम इसके कार्यों के बारे में यदि हम देखें तो डीएनए को आपको ये तो पता ही है कि ये रेप्लिकेशन का काम होता है स्वयप्रतिकृति और पुनरावृत्ति की इसमें अनूठी और बिल्कुल एररलेस इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है त्रुटि इन कैपेबिलिटी होती है और कोशिका विभाजन के समय यह अपनी मात्रा को दुगना करके पुत्री कोशिकाओं में बढ़ जाता है और दूसरा यह अपने खुले हुए सूत्र जो है इसके इस पर एम आर एन ए या टी एमआरएनए का या टी आर एन ए का निर्माण कर प्रोटीन संश्लेषण के लिए मार्ग प्रशस्त करता है जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और क्रॉसिंग ओवर के दौरान जो है डीएनए एन रिकॉम्बिनेशन का काम करता है और यह अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट जो अवस्था होती है उसके दौरान होता है रिकॉम्बिनेशन री, जो है जिससे कि जीवों में नई संभावनाएं पैदा होती हैं और आगे चलकर नई जाति के निर्माण में निर्णायक होते हैं डीएनए जो है इसकी आवश्यक एंजाइमों की उपस्थिति में इसकी क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत का भी कार्य करता है तो ये डीएनए एक इम्पोर्टेंट जेनेटिक मटेरियल के अलावा प्रोटीन में पार्ट होता है और इसके बारे में आपको अगर कोई क्वेरी करनी है तो आप मुझे पर्सनली आप व्हाट्सएप नंबर जो है इसमें आप मेरे को भेज सकते हैं और आप फ़ोन करके भी मेरे से पूछ सकते हैं थैंक यू